नमस्कार, मैं राधिका। ऋतिक रोशन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऋतिक के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगा है। ऋतिक समेत 8 लोगों के खिलाफ चेन्नई पुलिस ने FIR दर्ज की है। एक रिपोर्ट की माने तो आर मुरलीधरन नाम के एक बिजनेसमैन ने ये शिकायत दर्ज करवाई है, जिसने अपनी शिकायत में कहा है कि ऋतिक के ब्रांड HRX की मर्चेंडाइजिंग के लिए उन्हें स्टॉकिस्ट के तौर पर नियुक्त किया गया था। ऋतिक ने ये क्लोथिंग ब्रांड 2014 में शुरू किया था। ऋतिक और 8 बाकी के लोगों की धोखाधड़ी की वजह से उन्हें 21 लाख का नुकसान हुआ है, क्योंकि फर्म की ओर से उन्हें रेगुलर प्रोडक्ट नहीं दिए जाते थे और बिना उन्हें बताए ही अचानक ही पूरी मार्केटिंग टीम को डिसॉल्व कर दिया गया। इसके कारण कई सारे प्रोडक्ट धरे के धरे रह गए। इसके बाद जब मुरलीधरन ने बचे हुए प्रोडक्ट्स को लौटाना चाहा, तो ऋतिक रोशन ने उन्हें इसके बदले पैसे देने से इनकार कर दिया। इस शिकायत के बाद कोडंगयूर पुलिस ने ऋतिक और 8 अन्य लोगों के खिलाफ IPC की धारा 420 के अंतर्गत मामला दर्ज कर कानूनी नोटिस भेज दिया है। इस बारे में ऋतिक का कहना है कि इस ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट्स दिल्ली और मुंबई के कुछ फर्म में दिए गए हैं और वो मुरलीधरन को हुए घाटे के लिए जिम्मेदार नहीं है। वेल, अब इस केस में आगे क्या मोड़ आता है, ये देखने वाली बात होगी।